नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पीवी सिंधु ने किया कमाल, पदक की आस बरकरार। भारत की पीवी सिंधु ने बैडमिंटन महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में चीन की वांग हियान को हराकर रियो ओलंपिक में महिला बैडमिंटन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय खिलाड़ी ने दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विश्व के दूसरे नंबर की खिलाड़ी वांग को 22-20, 21-19 के अंक के साथ हराया। सिंधु खेल के शुरुआती क्षण में पहला अंक गंवा बैठी थी, लेकिन उसने अपनी लय बरकरार रखते हुए गेम को बराबरी पर ला दिया। दोनों खिलाड़ियों ने दमदार खेल के प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश की। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, भारतीय खिलाड़ी ने अपने श्रेष्ठ खेल की बदौलत 212 में लंदन ओलंपिक की रजत पदक विजेता वांग हियान को चौंका दिया। बारामूला में बड़ा आतंकी हमला, 3 सुरक्षाकर्मी शहीद। कश्मीर के बारामूला जिले में बुधवार को एक आतंकवादी हमले में सेना के 2 जवान और 1 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 3 अन्य सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों ने देर रात 2:30 बजे बारामूला के ख्वाजाबाग में सेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया। उन्होंने कहा कि 2 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हो गए। अधिकारी ने कहा कि पुलिसकर्मी के वाहन के आतंकवादियों के हमले की चपेट में आने से 1 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया, जबकि 1 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुआ। उन्होंने कहा कि हमलावर घटनास्थल से फरार हो गए। हमलावरों का पता लगाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। पाक से बोला आतंकी हाफिज सईद, कश्मीर में भेजो सेना। फिर बेसुरा राग अलापते हुए जमात उद दवा प्रमुख हाफिज सईद ने सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ से पाक के संस्थापक जिन्ना के लंबित आदेश का पालन करने के लिए कश्मीर में सैनिक भेजने को कहा। सईद ने दावा किया कि कश्मीरियों ने विभाजन से पहले घोषणा की थी कि वे पाकिस्तान के साथ रहना चाहते है, लेकिन भारत ने जबरन जम्मू कश्मीर में सेना भेज दी। इस पर कायदे जिन्ना ने कमांडर इन चीफ को सैनिक भेजकर जवाब देने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। अब मैं जनरल राहिल शरीफ से कश्मीर में सैनिक भेजने का आह्वान करता हूं, क्योंकि कायदे आजम का आदेश तो लंबित है। सईद ने कहा कि वह भारत के साथ लड़ाई करने को नहीं कह रहा, लेकिन उन्हें अर्थात प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और राहिल को कश्मीर मुद्दे पर अवश्य ही रणनीति बनानी चाहिए।